वोशिया के विधायक दिव्या जी मदेना ने हमारे परिवार की वेदना को समझते हुए उन्होंने सीआई को कहा कि मानवता के आधार पर आपको मदद करनी है और इनकी एमपीआर करवावे, तब जाकर के वोशिया के थानेदार प्रभारी ने ये हमारी एमपीआर 15 मई 2023 को करवाई। तो राम जी ठा मन की ठा को पड़े हां मैं कने ईश्वर कने है लिखो मरकन की है को मदद मांगो और मैं को के सब बस मदद करा देना आते है मैं तमाने ये दिन आप राजकुशी की बात है की नहीं कहो दो भाइयों का प्यावा दो तीन भतीजों का प्यावा कितने टाइम बाद में पाची आउनी बात ही पाची आउनी। जोधपुर का एक सैनिक देदाराम थोरी गांव रायमलवाड़ा और पिछले 20 दिन से लापता है। परिवार के पास में कोई सूचना नहीं है और अभी मैं देदाराम जी थोरी जो सैनिक है उनके जो घर बना हुआ है इनके आगे खड़ा हूँ और इनके पिताजी इनके चाचा जी इनके परिवार में फौजी साहब की जो धर्मपत्नी है उनसे बात करके आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और कितने लोगों से अभी तक बातचीत हुई है, सरकार क्या प्रयास कर रही है उनको ढूंढने में? बता रहे हैं कि 27 तारीख को यहाँ से छुट्टी पूरी होने के बाद में वो सेना में यहाँ से गए हैं, वहाँ जाने के बाद में उन्होंने अपने ड्यूटी ज्वाइन की है, ज्वाइन करने के बाद में उनकी दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है और ट्रांसफ़र होने के बाद वो लापता है। और परिवार ने अभी तक कितना प्रयास किया है, प्रशासन के साथ में किन किन लोगों से इनसे बात हुई है, सरकार से बातचीत करके मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और आप भी इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें जिसे सैनिक देवाराम जी को ढूंढने में सबकी मदद मिल सके। राम जी के पिताजी मेरे साथ में हैं और देदाराम जी फौजी साहब यहाँ से ड्यूटी के लिए रवाना हुए तो लास्ट समय आपके बात क्या हुई? और बात की कोई इनके हूँ पास हम विद्या हूँ अच्छा के पास रमन ने हूँ तब मैं कहीं विद्या हुई है इतनी बात हुई। और सुबह ने ये लोग करने वो टाउन की हो मैंने के हूँ पास जाऊँ अच्छा आ बात हुई। और बिर बाद में इन कोई पास हाँ सुबह मजाक और की बात कोई आप पहली देदा राम जी ड्यूटी में जाओ था जना आप कभी बातचीत होती नहीं बातचीत करें जाओ तो कभी दुराज बनो तो हो इसको और मर की तकलीफ की को ने तो भी नहीं ने बात आपने कहीं लागे कहीं घटना घटी तो वेला या बात तो राम जी ठा मन की ठा को पड़े हां मैं कने ईश्वर कने है लेखो मरकन की है को बात हुए करे दिन के टकी कोई नहीं कोई कह सको। आप सरकारों कहीं अरदास करो कि मदद मांगो और मैं कह के सब बस मदद करा देना आते मैं दुख की घड़ी रे महीने सैनिक परिवार जितनी हो सके आप मदद करो। और दुख तो बंद होना चाहिए जैसे मारे वो मारो सैनिक देश पर मांगा दौड़ियो है तो बिल्कुल की यार एक ही आस हूँ लगे बैठा कि कोई न कोई समाचार आने मिले कि दादा राम जी की स्थिति महीने है और किन जगह है। ज़्यादा ज़्यादा आप वीडियो ने शेयर करो और वीडियो में आप साथ शेयर कर रही हूँ फौजी साहब रो फोटो जो देदा राम जी है वो मैं आप साथ शेयर कर रही हूँ जिन्हों आपने भी आम पब्लिक ने कटी अगर इन टाइपों चेहरों या इन टाइपों कोई व्यक्ति मिले तो आप ज़रूर ये परिवार संपर्क करने की कोशिश करो। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो रीट्वीट करो कि देदा राम फौजी देदा राम सैनिक इनको ढूंढने में मदद करें। अभी मैं रायमलवाड़ा गाँव जोधपुर ज़िले में इनके गाँव आया हुआ हूँ। देदा राम जी थोरी जो सैनिक उनके परिवार के साथ में बैठा हूँ और उनके काका श्री मेरे साथ में हैं। आपको कब पता चला कि वो यहाँ से ड्यूटी पे गए और आपको कब पता चला कि लापता हो गए या आपसे संपर्क कैसे कटा? हमारे घर से 30 दिन की छुट्टी काट करके वो 27 अप्रैल को सुबह 4 बजे घर से निकले थे और वो घर से निकल के निजी वाहन से जोधपुर रेलवे स्टेशन गए और वो 5:15 बजे करीब जोधपुर छोड़ करके वापस आ गया। वो अपनी ट्रेन से जम्मू चला गया और हमें 3-4 दिन तक कोई कॉल नहीं हुआ उनसे कि हमने संपर्क भी नहीं किया था कि क्यों हो रहा है। तो अपने जर्नी के दौरान अपनी मिसेज से बात होगी या ऐसा ही मतलब हमने सोच रखा था। तो नहीं संपर्क होने का कारण क्या है? कारण ये हुआ था बाद में पता चला कि उनके पास जो जम्मू की सिम थी ना वो सिम पहले से ही बंद हो रही थी और जब तक यहाँ था 26 तारीख तक तो वो अपनी मैसेज वाले फ़ोन से ही बात करता था
तो ये बात ही हमें बहुत देर से पता चला, 7 तारीख को हम जम्मू से वापस आने के बाद पता चला कि उनके पास ये सिम नहीं थी। नहीं, जैसे तो आपको सबसे पहले जानकारी कैसे हुई? हमें पता चला कि 2 मई 2023 को पठानकोट जीआरपी से एक कॉल आता है, मेरे पोते जो भतीज के लड़के जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और वो एक वार्डन वीर तेजा करके हॉस्टल है उसमें रहते हैं, जिसका वार्डन बाबूलाल जी गोरा है, और गोरा साहब के पास फ़ोन आया था क्योंकि उस बैग में बाबूलाल जी के नंबर मिले थे। उन नंबरों के अकॉर्डिंग उन्होंने कॉल किया कि ये देदाराम का बैग है जो हमें पठानकोट में मिला, ये बंदा कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये तो मेरे हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के पेरेंट्स हैं, पिताजी हैं, वो फौज में सर्विस करते हैं। और उन्होंने फिर हमें भी सूचित, बाबूलाल जी ने किया कि देदाराम जी का बैग है वो पठानकोट में मिला है, बैग किस प्रकार से गुम हुआ है वो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन वहाँ से कॉल आया है। इस जैसे ही बैग की सूचना मिली तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात आई होगी कि ये बैग कहाँ से मिला? या सबसे पहले तो मेरे तो यही विचार आया कि हो सकता है जर्मनी के दौरान बैग एक खो गया है और वो बंदा ट्रेन में सुरक्षित आ रहा है, तो हमने एक दिन के लिए तो वेट किया कि वो आएगा तो उसे पता करेंगे भाई कितने बैग थे, क्या है क्या नहीं है। वो एक बैग तो मिल गया। सेना की डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये कोई सूचना आई या नहीं आई? नहीं, तब तक हमारे पास कोई सूचना बैग की या बैग मिस होने की कोई सूचना नहीं आई। तो हमने 3 तारीख को पता किया कि वो घर पे आया नहीं है, वो ट्रेन पहुंच चुकी है, जिस ट्रेन से आता होगा तो वो तो पहुंच जाएगी, लेकिन वो पहुंचा नहीं। फिर हमने रेलवे स्टेशन पे ओसियाँ जोधपुर जाकर के पता किया तो उस नाम का व्यक्ति देदाराम के नाम का अलाउंस भी करवाया, रेलवे में ऑनलाइन पता किया कि देदाराम नाम व्यक्ति के कोई सीट नंबर उसका अलॉटमेंट है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और हमने भी कहा भी हम पे भी संपर्क नहीं हो रहा है, तो हमें ये भी लगा कि वो सूचना तंत्र से दूर है, बात किसी से न तो फोर्स से हो रही है न हमसे हो रही है, ये तो हमें मालूम हो ही गया था। तो फिर आपने क्या करने की कोशिश की? मतलब फिर हमने जोधपुर रेलवे स्टेशन से पता करने के बाद हमने वहाँ जोधपुर में ही जीआरपी वाला ने या मतलब जो सेना के पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप लोकल थाने के अंदर जा करके इसकी मिसिंग रिपोर्ट करवाइए गुमशुदी। तो हमने ओसियाँ थाने के अंदर आए, यहाँ कोशिश किया तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि अगर वो बंदा जोधपुर से अगर जम्मू जाता है तो इधर मिसिंग हो जाती है, लेकिन वो बंदा जोधपुर नए होकर के जम्मू से वापस आ रहा है इसलिए उसकी गुमशुदगी जम्मू में होगी, ये ऐसा बता करके वहाँ उन्होंने नहीं किया। फिर हमने यहाँ अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी कुछ कहवाने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने यही कहा कि ये इनके नियम कायदे में नहीं आता है, आपको जम्मू जाना पड़ेगा। तो फिर हमने तय किया कि भी जम्मू जाना पड़ेगा तो पठानकोट में हो जाएगी, तो पहले पठानकोट गए जहाँ सामान बरामद हुआ है तो वहाँ हो जाएगी तो वहाँ करेंगे, और नहीं तो फिर जम्मू जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम 4 बंदे यहाँ निजी गाड़ी लेकर के गए थे पठानकोट। ये फर्स्ट हम यहाँ से रवाना होने के बाद जम्मू पठानकोट पहुँचे और पठानकोट में हमने जीआरपी वालों से संपर्क किया सीधा, तो उन्होंने कहा कि बैग हमें लावारिश स्थिति में मिला था और हम एमसी वालों को दे दिया। एमसी वालों ने कहा कि हमें मुरमुर कैंट है यहाँ हमारा पठानकोट का, उसमें उस बैग को जमा करवा दिया। अच्छा, ये जो सैनिक साहब देवाराम जी, इनकी ड्यूटी देदाराम जी, इनकी ड्यूटी किस पे थी, कहाँ पे थी? इनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में 10 आसाम आरसपुरा जम्मू। अच्छा, 10 आसाम आरसपुरा जम्मू। हाँ, 10 आसाम में पोस्टेड है और 10 रेजिमेंट आरसपुरा जम्मू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मूलाराम है, मैं देदाराम का चाचा लगता हूँ। देखिए, मेरे बड़े भाई का लड़का है। देदाराम जी जो सैनिक है उनके चाचा जी से बात हो रही है, और यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह आप जरूर लग रहा है प्रशासन के ऊपर कि आप ओसियाँ थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात की तो उन्होंने कानूनी रूप से कहा कि ये रिपोर्ट यहाँ दर्ज नहीं हो सकती, दूसरे थाने में दर्ज होगी जहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई है। और जब ये जर्नी स्टार्ट हुई है वहाँ तक पहुँच जाता है, देखिए परिवार कितना अभी देदाराम जी को ढूंढने के लिए भटक रहा है, और
हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये सूचना मिल जाए कि दादाराम जी वहाँ है या किस स्थिति में है। और आपको पता है कि अगर लापता की सूचना है तो अभी कई तरह के विचार मन में आते हैं। तो लास्ट में फिर FIR दर्ज कैसे हुई आपकी, किसने सपोर्ट किया या फिर आपके परिवार के दुख के समय साथ में कौन खड़ा हुआ? ओसिया के विधायक दिव्या जी मदेड़ा ने हमारे परिवार की वेदना को समझते हुए उन्होंने सीआई को कहा कि मानवता के आधार पर आपको मदद करनी है और इनकी MPR करवावे, तब जाकर के ओसिया के थानेदार फरवरी ने ये हमारी MPR 15 मई 2023 को करवाई। फिर किस आधार पे ये, पहले जैसे उन्होंने मना कर दिया कि FIR नहीं होगी और फिर FIR की, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि किस, जैसे दिव्या जी ने उनको क्या कह के कहा कि भाई इसके आधार पे आप? रूल के बारे में तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन CA साहब ने अपने स्टाफ को बोला कि हमें मानवता के आधार पर ये MPR अपने को लेनी है। ये बात CA साहब के मुँह से अपने स्टाफ को बताते हुए मैंने सुना है, लेकिन उन्होंने तो दिव्या जी ने किस प्रकार का, वो तो आप उनके विभाग का या उनके निजी कानून की बात है। जम्मू रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद में उसको कोई अनहोनी का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो जो भी हुआ है उसके साथ जर्नी के दरमियान हुआ है। न तो कोई घर में कोई किसी प्रकार तनाव था और न मेरे को वहाँ यूनिट से कोई ऐसा कि अगर हमने कुछ अन्य व्यक्तियों से जो पोस्टेड थे उनसे भी बात की है, अफसर लोगों से भी बात की है, तो सबकी बात में कोई वो फर्क नज़र आने वाला हमें नहीं लगा। परिवार बहुत बड़ा है, हम दो भाई हैं, 7 बहनें हैं, उनके रिश्तेदार सारे गाँवों से, मेरा फ़ोन कभी बंद होता ही नहीं। बहुत लोग आते हैं, घर पे भी आते हैं और संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वो हर बार यही पूछते हैं कि पता लगा, क्या पता लगा। धमाने ये जना आप राजकुशी की बात है कि नहीं कहो, दो भाइयों का ब्याह हुआ, दो तीन भतीजियों का ब्याह हुआ। कितने टाइम बाद में पाचियाओं ने बात ही? पाचियाओं की बात ही 6-7 महीना। 6-7 महीनों तो आपने पहले क्यों के 6-7 महीना तक पाँचो आई जो कौन कहो पहले मैंने कहो और जो बतावे कि उठ 11-12 महीने वहाँ दूसरी जगह ड्यूटी है, तो ऐडी पहली कोई बात ही क्या दूसरी जगह ड्यूटी रही? पहले यूँ तो बात ही बड़े हाँ तो आती थी पता नहीं। अच्छा तो आज पता नहीं, बाकी यूँ वहाँ बातचीत करी क्यों? यूँ बात ही क्या, महीने 2 महीनों पोस्टिंग हो सके। अच्छा महीने 2 महीनों पोस्टिंग हो सके, यूँ बात। अब आपके परिवार में महीने कौन कौन सदस्य है? 2 बच्चा है, पिता है, माता है। अच्छा पिताजी माताजी बच्चा, और बच्चा पढ़ाई किधर करे? जोधपुर हॉस्टल में रहता। अच्छा जोधपुर हॉस्टल में। देखो दादा राम जी धर्मपत्नी है, कह रही है कि जोधपुर हॉस्टल में इन्हें बच्चा पढ़ाई करता और माताजी पिताजी है, और वीडियो में आप साथ शेयर कर रही हूँ। और आप भी इस दुखरी घड़ी महीने सैनिक परिवार को साथ दो, खूब वीडियो शेयर करो, और कटे भी अगर आपने सूचना मिले दादा राम जी री तो ज़रूर आप ही परिवार को संपर्क करने की कोशिश करो।